हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से जो फेसबुक का ऐप है वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन को सबसे पहले चेक कर लेना है, क्योंकि तो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं रहेगा तब आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसका बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सेकंड में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है और एप्लीकेशन में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को सर्च कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है लिख के भी आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो आप लोग सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे पे जाना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको क्लियर कैचे कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट जब आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो रिस्टार्ट कर लेना है या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार नॉर्मल सा रिबूट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन पर जो स्टोरेज स्पेस रहता है वो यहाँ पर फुल हो जाता है, यानी कि आप लोगों ने पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर रखी है, जिसके वजह से आपका जो रैम स्टोरेज स्पेस है वो यहाँ पर फुल हो चुका है। तो ऐसे में भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसे एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है जिसको आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जिससे जो है आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर फेसबुक को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक आपको और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर का जो ऐप है उसको आपको हमेशा अपडेट करते रहना है, क्योंकि वो क्योंकि दोस्तों वो यहाँ पे प्ले स्टोर का जो ऐप है वो यहाँ पर पुराना हो जाता है, तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर दिक्कत आती है। और लास्ट में आपको जो है अपने फ़ोन में सिस्टम अपडेट को चेक कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में सिस्टम अपडेट आया है, सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो आप लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, जिसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।